फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी के बूटीज बताऊंगी। देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये। ऐसे ही ऐसे ऐसे बूटीज हम बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है, 10 नंबर सिलाई, और ये क्रीम कलर की वूल ली है। इसको हम देखिए कैसे बुनेंगे। और मैंने इसमें 60 फंदे डाले हैं। इसकी हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। पहले इसकी हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे, 16 सिलाइयाँ बुनेंगे इसके, सीधी सीधी 16 रोज डालेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 16 रोज डालने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसमें सीधी साइड में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी रोज आ जाएंगी। ये हमारा ये नीचे वाला पोर्शन जो ये वाला है, ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका, ये हमारी राइट साइड है, इसमें हम इसका हाफ करेंगे। इसमें अब हम सीधी उल्टी सिलाई चलाएंगे। ये राइट साइड है, इसलिए हम इसकी सीधी सिलाई बुनेंगे और इसको हाफ तक लेके आएंगे, यानी कि 30 फंदे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके 30 फंदे हाफ बनते हैं। मैंने इसके 29 यहाँ तक बुन लिए हैं। इसमें हम अब ये देखिए, ये वाला फंदा और ये बीच वाला फंदा छोड़ के इसको पीछे से बुनेंगे। ये वाला फंदा लेंगे और इसके बीच वाला फंदा छोड़ के नेक्स्ट वाला फंदा लेंगे। ये ऐसे, ये देखिए पीछे से ऐसे ऐसे। देखिए, बीच का फंदा हम ये वाला छोड़ के ये दो फंदों को पीछे से बुनेंगे, ऐसे करके ये बुन लिया देखिए। और फिर हम ये फंदे छोड़ेंगे और बीच वाला फंदा जो हमने नहीं बुना है उसको पकड़ लेंगे। देखिए ऐसे, ये बुना हुआ फंदा है और ये बिना बुने, इसको ऐसे चढ़ाएंगे और इसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। ये दो दो फंदे घटते जाएंगे, एक इधर से एक इधर से। अब सारी सिलाई आगे फिर सीधी डालेंगे। अब हम रोंग साइड में हैं, उल्टी सिलाई डालेंगे। उल्टी सिलाई इसमें सारी उल्टी ही डलेगी। ऐसे देखिए, पूरी सिलाई उल्टी ही डालेंगे। ये बिगनर लेवल के लोग भी बना पाएंगे, बहुत ही आसान है बूटीज़ ये। ये आप ज़्यादा फंदे डाल के अपने लिए भी बूट बना सकते हैं, बड़े लोग भी। ये उल्टी सिलाई सारी उल्टी डालेंगे। देखिए, हम राइट साइड में आ गए हैं। ये सिलाई मैंने बुन ली है। इसमें मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि यहाँ से कैसे घटाने हैं। ये फिर वहीं आ गया पार्टीशन जो हमने आधा आधा हाफ हाफ किया था। ये जो मोटे वाला फंदा, ये चलेगा। और ये मोटे वाले फंदे के साइडों पे दो फंदे लेंगे, ये ऐसे जैसे पीछे से पहले किया था। ये फंदा छोड़ लेंगे, इसका अगले नेक्स्ट वाला फंदा, दो उधर, एक उधर का और एक उधर का मिला के हम इसको घटाएंगे दोनों फंदों को। ये थोड़ा सा टफ लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, बीच वाला फंदा ये वाला छोड़ लेंगे जो जिसकी मोटी सी लाइन आएगी, और ये दोनों मिलके घटा लेंगे ऐसे। फिर जब उतारेंगे तो बीच वाला फंदा पकड़ लेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर ये हमारे पास एक दो का एक करा हुआ फंदा और ये बीच वाला फंदा, ये है। और इसको हम ऐसे, पहले बीच वाला फंदा और बुने हुए फंदे को पकड़ के ऐसे ऊपर से उतार देंगे, देखिए। फिर इसको यहाँ चढ़ा के, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये बीच की ऐसे ही आती जाएगी। ये इधर और इधर से फंदे आपको तब तक घटाने हैं जब तक इसके ऊपर जाके पूरे 38 फंदे ना रह जाएंगे। और ये ऐसे ही बनती जाएगी। ये बीच का फंदा आपने रखना है, ये वाला आगे, ये वाला, ये घटाने हैं। और इसकी उल्टी सिलाई उल्टी ही डालनी है। अब मैं आपको ये बुन के बताती हूँ। देखिए, ये बीच में से सारा ये घट गया है और ये ऊपर मेरे पास 38 फंदे रह गए हैं।
बीच का एक ये भी है 38, 39, 39 फंदे रह गए हैं। अब हम इसकी ऐसी ऐसी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे। इसमें पहले मैं चार सिलाइयाँ चढ़ा लेती हूँ सीधी 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 सीधी, फोर लाइंस डाल लेंगे। ये हमारा उल्टी साइड आई है तो उल्टी साइड से चढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे ऐसी ऐसी सीधी सीधी हम चार सिलाइयाँ चढ़ाएंगे। देखिए ये दो लाइंस मैंने ये वाली डाल ली है, ये चार रो डालने पर ये दो लाइन ऐसे ऐसी बनेगी। अब हम इसमें छेद बनाएंगे, होल्स बनाएंगे वो डालने के लिए। दो फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर दो तीन फंदे बुन लेंगे सीधे हम, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये जहाँ पे जो होगा वो होल बन जाएंगे। फिर दो फंदे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे सीधा। देखिए ये जो बढ़ रहा है फंदा बल वाला, इससे होल डल जाएंगे इसमें। फिर दो फंदे बुनेंगे और धागा आगे लाएंगे और इसका हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये सारी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये होल से इसमें आ गए हैं। होल वाली लाइन चढ़ाने के बाद मैंने इसमें चार सिलाइयाँ और चढ़ाई हैं। चार सिलाइयाँ चढ़ा के ये एक और ये दो ये बन गए हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में हैं, अब हम इसको बंद कर लेंगे। ये बूटीज तैयार है, मैं बंद करना बता देती हूँ आपको। ऐसे देखिए दो फंदे बुनिए और फंदे के ऊपर से ऐसे फंदा निकाल दीजिए। फंदा बुनिए और पीछे वाला फंदा ऊपर से ऐसे निकालिए। देखिए फंदे के ऊपर से ऐसे फंदा निकालिए, फंदा बुनिए और उसके ऊपर से ऐसे फंदा निकालिए। ये सारी लाइन इसको ऐसे ही बंद करनी है आपने। देखिए ये सारा बंद कर दिया मैंने। अब इसको हम काट के कैंची से काट लेंगे और इसके बीच से ये देखिए ऐसे करके निकाल देंगे। देखिए ये हो गया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करके इसको सिलेंगे। ये देखिए ये तैयार है, ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे दिखेगा। ये थोड़ा बड़ा है, उसमें भी इतने ही फंदे थे बट वो वूल की वजह से वो छोटा बना है। इसमें मैंने 60 फंदे डाले, इतने भी इसमें भी 60 थे बट ये बड़ा बन गया है। ये आपके 2 साल तक के बच्चे तक को आराम से आ जाएगा, चलते फिरते बच्चे को आराम से आएगा। अब इसको सिलना बताऊंगी मैं। देखिए अब हम इसको सिलेंगे। सिलने का भी अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे मर्जी जैसे आप सिलते हैं वैसे सिल लीजिए। देखिए इसको ऐसे हम सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बूटीज बन के तैयार हो गया है, बहुत सुंदर लगेगा डाला हुआ। ये देखिए ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये इसमें मैंने होल बनाए हैं, इसमें आप कुछ भी डालिए, रिबन डालिए चाहे डोरी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। धन्यवाद।